हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है संडे, आप सबको हैप्पी संडे। और अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो और अभी मैं क्या कर रही थी, ये जो पर्दे थे ना वो मैं ठीक कर रही थी। तो इस साइड जो हमारा ये तीन पर्दे हैं ना, ये दो ब्लू और एक वाइट, तो वो तो ठीक है, पर इस साइड ना जो पर्दे हैं ये दोनों जो है ब्लू कलर का है, तो इसको ना मैं सोच रही हूँ चेंज करूँ, क्योंकि दोनों ब्लू जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो बीच में अगर थोड़ा सा अलग हो जाए ना तो अच्छा होगा। तो इसी वजह से ना मैंने जो है अमेजोन से पर्दे मंगाए था, तो वो मैं अभी यहाँ पे लगाती हूँ। तो ये देखिए, ये ना दो कलर में से ये है, और दो तो ऑरेंज है और एक येलो है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा अलग देने के लिए सोचा है यहाँ पे, और जहाँ हमारा पूजा रूम है ना वहाँ पे भी सेम मैं इसी कलर का दूंगी। और बाकी सब जगह तो ब्लू और वाइट, मतलब ज़्यादातर ब्लू रहेगा। तो इसी वजह से ना मैंने जो है यहाँ के लिए अभी ये पर्दे मंगाई थी। तो मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ खोल करके, और बहुत ही अच्छे हैं ये पर्दे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ। तो ये जो पर्दे हैं ना, अभी आप देख सकते हैं इसका कलर, तो सेम यहाँ पे जो दो ब्लू और एक वाइट है ना, तो ये मैं मंगाई थी अमेजोन से। इसकी क्वालिटी मैंने बहुत, मतलब लगभग 1 साल से यूज कर रही हूँ, तो इसकी क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। तो इसी वजह से सेम वैसे ही है, बस कलर जो है डिफरेंट है। तो चलिए मैं अभी इसको यहाँ पे लगाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने लगा दिए हैं कर्टन्स, और यहाँ पे ये है ब्लू का, ये तीन तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये जो दो है ना उसको मैं उधर लगाऊंगी, तो अभी मैं लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, ये जो है ये पर्दे मैंने लगा दिया है। तो ये व्हाइट कलर का दो का सेट आया था, ये मैं मंगाई थी अमेजोन से। तो ये भी, मतलब इसमें भी ब्लू ब्लू था तो ये ठीक लग रहा था। यहाँ पे ना टोटल चार पर्दे लग रहे थे, और तीन पर्दे अगर मैं लगा रही थी ना तो ठीक नहीं हो रहा था, इसी वजह से चार लगा दिया है। यहाँ पे अभी ये तीनों लगा दिया है, और अभी एक रूम ना हमारा जो है कंप्लीट हुआ है पर्दे से। और भी पर्दे अभी बहुत सारे जो अभी मंगाना है दूसरे रूम के लिए। तो एक के ये रूम में ये साइड ये हो गया, इधर हो गया, और ये जो बाहर है दोनों रूम का दरवाज़ा, तो हमने ये वाला पर्दा यहाँ पे वाइट कलर और दो जो है ब्लू कलर ये लगा दिया है। और इस रूम के लिए अभी पर्दे नहीं मंगाए हैं। और किचन में, तो किचन में ना एक पर्दा मुझे लगाना ही है, क्योंकि कोई भी आता है ना सोफे पे बैठते हैं तो वो सारा दिख जाता है किचन में क्या क्या काम करती हूँ ना। तो वो वैसे तो किचन में मतलब पर्दा नहीं लगाना चाहिए, तो फिर मतलब फिलहाल में तो वो एक अभी पर्दा लगाना ही पड़ेगा मुझे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं कुछ और दिखाना चाहती हूँ। तो कुछ दिन पहले जो है मैं लेगिंग का सेट मंगाई थी, तो मुझे कोई बोले थे कि वो ना थोड़ा सा मतलब दिखाइएगा और एक बार वो कैसा जो है लेगिंग का सेट है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ना चार का सेट मैं मंगाई थी, आप देख सकते हो। और इसका जो कपड़ा है ना, ये थोड़ा मतलब पोली होता है ना, पोली कॉटन पॉलिस्टर टाइप के वैसा है। तो ये चार का सेट था कॉम्बो में, तो ये फिर मैं मंगाई थी। और एक मैं लेगिंग्स का सेट मंगाई थी जो कि प्योर कॉटन में है, ये देखिए।
देखिए, इसमें ना चार कलर मिल जाता है और ये प्योर कॉटन है। तो इसमें है चार कलर, ये वाइट, रेड, पिंक एंड ब्लैक। और इसमें भी सेम, तो इसमें भी सेम है, ये जो है इसमें गोल्डन है, इसमें वाइट है, नहीं तो सेम है सब। तो ये मैं दो लेगिंग का सेट मंगाई थी, तो इसका कॉटन का है ना, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कम है। तो होल स्टोर करके एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको प्राइस भी दिख जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। और यहाँ पे मैं एक कुर्ती मंगाई थी, ये देखिए, तो ये ना ग्रीन कलर का कुर्ती है, ये आप देख सकते हो, रेगुलर यूज के लिए मैंने मंगाया था। तो ये है, इसका स्लिप्स ना कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, यहाँ पे ना ये बटन मिल जाता है, तो मतलब रेगुलर यूज के लिए काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में भी है। तो ये है, और यहाँ पे ना ये देखिए इस तरीके का, ये जो है यहाँ पे ये लटकन मिल जाता है, तो ये है। और इस पर ना आपको बहुत सारे जो है कलर ऑप्शन मिल जाएगा, और इस पर जो है ये वाला मेरा साइज जो है मीडियम साइज है, तो मीडियम साइज है तो मेरा थोड़ा सा जो है लूज हो रहा है, तो कोई नहीं, इसको मैं थोड़ा सा जो है फिटिंग कर लूँगी। तो ये है एक कुर्ती, और एक मैं कुर्ती मंगाई थी, ये देखिए, ये जो है रेड कलर का कुर्ती है, और ये ना मतलब कॉटन का फैब्रिक है और बहुत ही अच्छा है, मतलब डेली यूज के लिए ना काफ़ी अच्छा है। तो स्लिप्स कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और ये मैं सिंगल कुर्ती ली थी, अगर इसका आप कुर्ती और बॉटम अगर दोनों लेते हो ना तो आपको मिल जाएगा। तो ये मैं सिंगल कुर्ती मंगाई थी, तो थोड़ा सा मुझे ये प्राइस इसका कम लगा था, और अगर बॉटम और कुर्ती दोनों लेते हैं उसका प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो आप चेकअप कर सकते हो इसका प्राइस। और ये देखिए, ये ना एक मैं मंसा के लिए टॉप मंगाई थी, तो ये जो है मैं ग्रे कलर का मंगाई थी, पर मुझे ना ये वाइट कलर का रिसीव हुआ है, तो वाइट कलर का भी काफ़ी अच्छा है, पर इसका साइज में ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में मंगाई थी, पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब मनीषा का ना थोड़ा, ये देखिए इसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो इसका देखती हूँ एक्सचेंज कराऊंगी, और या अगर पहनेगी मनीषा को ज़्यादा पसंद है तो फिर मैं फिटिंग कर दूँगी। तो ये एक टॉप है, इस पर आपको वाइट, ग्रे, ये सब कलर आपको मिल जाएगा। तो इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो अगर आपको पसंद है तो आप चेकआउट कर सकते हो। और जो ये कर्टन्स है तो इसके भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर आपको पसंद है तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मेरा शाम का दिया बत्ती हो गया है, और अभी मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने। तो आज ना ये नहीं है घर पर, मतलब ये घर गए थे तो घर पर ही है, तो ये नहीं है। और आप सबके ना काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आपके पति काम नहीं करते हैं, आपका घर का खर्चा कैसे चलता है, तो इस तरीके से। तो वैसे ना मेरे जो हस्बैंड है वो काम मतलब बहुत ही मेहनत है, कोई भी काम जो है वो करने में पीछे नहीं रहते हैं, कोई भी काम उनको मिलता है ना वो कर लेते हैं। पर अभी फ़िलहाल मतलब गांव में जब से आए थे तब से गांव में जैसे कि घर बन रहा था, थोड़ा बिजी हो गए, फिर दिल्ली गए तो वहाँ पे भी बीच बीच में कुछ कुछ काम करते थे। और अभी जो घर पे काम कर रहे हैं ना, अभी मतलब दो दिन तीन दिन के बाद मतलब अभी गए हैं, तो अभी दो दिन हो गया अभी नहीं आए हैं, तो अभी ना वो काम कर रहे हैं वेजिटेबल्स का, तो वो काम कर रहे हैं। और जो यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे काम के लिए बोले थे, तो वो दुर्गा पूजा के बाद बोले थे, तो अभी फ़िलहाल गांव में काम कर रहे हैं, और अभी दो दिन बाद आते हैं, तो मतलब आज बोले हैं आएंगे शाम को, तो शाम तो हो गया, अभी फ़िलहाल आने वाले हैं। तो ये हैं, और किसी किसी का वो मजबूरी होता है, वो किसी का मतलब शौक नहीं रहता है घर में बैठने का, काम सबका जैसे कि जिस काम ना करे ना तो नहीं चलेगा, तो ऐसा बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड जो है काम नहीं करते, नहीं काम करते हैं, तो बस ये टाइम का खेल है, टाइम पे मिलता है काम, नहीं मिलता है वो, तो अभी तो फ़िलहाल मतलब अच्छा ही काम मिला है इनको, तो अभी तो गाँव में वो कर रहे हैं,
तो ये थी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते थे तो मैंने कहा कि मैं बता दूं। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।